Soldiers of Rajputana Rifles unit on the line of control in Jammu and Kashmir's Akhnoor sector remembered their fellow fallen soldier Ummer Fayaz. Remembering Fayaz, Colonel Rohit Patil, who said he was focused and well-versed in his work. He was also very good in sports, and Fayaz's death is a huge loss for the unit. Lieutenant Ummer Fayaz, आप लोगों को पता ही है, 22 साल की उम्र में ऑफिसर बनके हमारे यूनिट में आए थे, और जब से वो आए थे, उनमें एक अलग से एक तेज उनके चेहरे से छलकता था, एक अलग से एनर्जी उनके अंदर हमेशा मैंने देखी है। ट्रूप्स के साथ वो बहुत ही जल्दी घुल मिल गए थे, क्योंकि वो फिजिकली फिट थे, गेम्स अच्छा खेलते थे, जितने भी छोटे मोटे हमने गेम्स ऑर्गेनाइज किए वहां पे, सभी गेम्स में, चाहे रनिंग कॉम्पिटिशन हो, चाहे हॉकी हो, चाहे वॉलीबॉल हो, उन सभी में उन्होंने ट्रूप्स से बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ऑपरेशनल मैटर्स में भी देखा जाए तो उमर फयाज बहुत ही क्लियर थे, बहुत ही फोकस्ड ऑफिसर थे हमारे, जिनको पता था कि कोई चीज करनी है तो किस तरीके से उसको किया जाता है, शुरू में क्या प्रिपरेशन करना होता है, फिर उसको किस तरीके से आगे बढ़ानी होती है। उमर फयाज का भी एम वही था लाइफ में कि मैं मेरे कश्मीर के लोगों के लिए कुछ करके दिखाऊं, इसलिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन किया, और उसके बाद उनका एम ये था कि मैं ज्यादा से ज्यादा उनके साथियों को मोटिवेट करें आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ही इज अ बिग लॉस हमारे लिए, एंड जैसे कि मेरी पलटन के वो एक सबसे चुनिंदा ऑफिसरों में से थे, जिनके ऊपर आप कोई भी एक टास्क दो और फिर भूल जाओ उसको। हमें पूरा भरोसा था कि उमर फयाज एक वो ऑफिसर है जिसको एक टास्क देने के बाद हमें वापस उसमें देखने की जरूरत नहीं है। सो लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस है। The 22-year-old army officer was abducted and killed by militants after he had gone to attend a relative's wedding in Shopian district of Kashmir. Hailing from Kulgam district, Lieutenant Fayaz from the infantry was posted in the Akhnoor area in Jammu and was commissioned in the army in December last year. Fayaz was the first officer from Kashmir posted in Rajputana Rifles unit.